जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया इस बिल का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया और आखिरकार इसे उच्च सदन में भी मंजूरी मिल गई है। अब इस पर जल्द ही राष्ट्रपति की मोहर के बाद यह कानून बना दिया जाएगा। इस बिल के साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा बढ़ाने के लिए लाए गए एक अन्य बिल को भी अन्य दलों का समर्थन मिला और यह भी पास कर दिया गया। इससे पहले अमित शाह द्वारा लाए गए इन दोनों ही बिलों को बीते शुक्रवार को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में बिल पेश करते वक्त अमित शाह ने एक जबरदस्त भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए मौजूदा हालातों के लिए आज़ादी के बाद से आई कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अमित शाह ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से सदन के सभी सदस्यों तक ये बात रखना चाहता हूँ कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इसे कोई देश से अलग नहीं कर सकता है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने यह भी कहा कि जमहूरियत सिर्फ परिवार वालों के लिए ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, जमहूरियत गांव तक जानी चाहिए, 40,000 पंच सरपंच तक जानी चाहिए और ये ले जाने का काम हमने किया है। जम्मू कश्मीर में 70 साल से करीब 40,000 लोग घर में बैठे थे जो पंच सरपंच चुने जाने का रास्ता देख रहे थे। क्यों अब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराए गए और फिर जमहूरियत की बात करते हैं। मोदी सरकार ने जमहूरियत को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। अमित शाह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर की प्रगति सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प को और बल मिलता है। कि जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक उद्देश्य राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ देना है। वहीं राज्य में दिसंबर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इससे पहले जून 2018 से राज्यपाल शासन लागू था।